गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन, और इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। एक तो ग्लोबली काफी वेक क्लूज है, क्रॉस एसेट क्लासेस थोड़े से कंसर्न्स इमिनेट होते हुए, लेकिन हमारे यहां मोमेंटम स्ट्रांग क्योंकि इंडिया स्टोरी पे सब बेट कर रहे हैं इस समय। लेकिन आज हमारे सामने खड़ा है खुलते ही बाजार के बाद वो 10 बजे की क्रेडिट पॉलिसी। हालांकि आवाज पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, और वैसे भी सब मान के चल रहे हैं इस बार एक स्टेटस को, यानी कि दरों में कोई छेड़छाड़ शायद एमपीसी ना करे इस बार, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आरबीआई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो जो पैंडेमिक में लिक्विडिटी इंजेक्ट करी गई थी, वो लिक्विडिटी कुछ हद तक सकआउट हुई थी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि किस तरह की कमेंट्री शक्तिकांता दास साहब की आती है 10 बजे के आसपास। लेकिन चलिए, वो इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसके लिए हमें ब्रेसअप करना है। लेकिन हमारा तो आइडिया है बेसिकली कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के थ्रू आज के मार्केट में आपको राइड कराया जाए। 10 बल्लेबाज हैं, लेकिन ये ग्लोबली संकेत गड़बड़ा क्यों रहे? देखिए, बहुत तेजी हुई, फिर बॉन्ड मार्केट में जो स्थिति है वहाँ पे 10 साल के बॉन्ड अगर आप देखें सामने आपके हुआ तो वो 1.138 के ऊपर निकल गया है। क्रूड में तेजी आ रही है, डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक पैकेट में पानी भरें, है ना, एक तरफ से निकलने लगे, इधर दबाएंगे तो पानी इधर निकलेगा, उधर दबाएंगे तो इधर निकलेगा। ये ज्यादा जगह होगा तो पन्नी ना फट जाए। एग्जैक्टली सी, आपने इंडेक्स मैनेज कर लिया तो ऊपर चला रहा इंडेक्स, इधर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अब आप बॉन्ड यील्ड मैनेज करेंगे तो आपका विक्स भागेगा। अब देखिए, कल का विक्स गिरा हुआ है 5%, सीबीआई का विक्स 5% गिरा हुआ है, लेकिन बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग गई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर भाग गया है। तो वो जो चारों तरफ से जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, वो कहीं ना कहीं जाके आपको साइन दिखाएगी अपने। एग्जैक्टली वही हो रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल जॉब डेटा आया तो 7,79,000 आया, जो कि अच्छा माना जाएगा वीकली। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे तस्वीर, तो अब वो रीएडजस्टमेंट मार्केट में हो रहा है। तो उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से, वर्ड ऑफ कॉशन है, ट्रेड करिए, ध्यान से ट्रेड करिए। और इंडिया में एक अपना इवेंट खड़ा है क्रेडिट पॉलिसी। हालांकि मेरा परमानेंट व्यू है कि क्रेडिट पॉलिसी नॉन इवेंट चीज़ है, कुछ भी पॉलिसी आए मार्केट ऊपर जाता है फिर उसके बाद। जैसे पॉलिसी तो खैर बहुत मैटर नहीं करती, लेकिन आज जो बड़ी खबर है जिससे वजह से मैंने अपनी टीम बनाई, मतलब आज क्या 25 की टीम भी बन जाती है, वो सर्किट फिल्टर जो चेंज हुए सब ले लिए क्या? तो लाइफ इजी है, 6 तो लिए ही कम से कम। अच्छा लेकिन कल एक्चुअली मैंने अपनी पूरी टीम बना ली थी, उसके बाद बदली, उसके बाद फिर मैंने चेंज की। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो तो गैप अप खोलेंगे तो मैं जेन्युइन रखता हूं थोड़ा सा। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाज है, शुरुआत कर रहा हूं। पहला जो बल्लेबाज है वो है बायोकॉन। अभी स्टॉक ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन के साल के आइज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 485-490 रुपए के आसपास के हैं, तो ऑफ आइस ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, जब ये वोलेटिलिटी ग्लोबली बढ़ रही है, ये अट्रैक्टिव होगी। लेकिन बायोकॉन के लिए एडेड है कि अच्छी खबर भी आ रही है। इसका जो आर्म है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसने ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर्स कैंसर एक्सेस पार्टनरशिप के साथ उनके साथ करार करा है, यानी कि अब ये जो इसके बायोसिमिलर्स हैं 30 और कंट्रीज में ये मार्केट करते हुए नजर आएंगे। तो जो ट्रास्टुजुमाब है, जो पेगफिलग्रास्टिम है, सही बोला ना नाम आपने, अब नहीं बोलता तो समझ में नहीं आता लोगों क्या बात कर रहे हैं। ये वो उनकी ब्लॉकबस्टर वो है, इससे मेरे का नाम लेना पड़ेगा। इनको अब एक्सेस मिलेगा लार्जली अफ्रीका एशिया में इस करार के थ्रू। मुझे लगता है बायोकॉन के लिए अच्छी खबर, और बायोकॉन है तो गजब की कंपनी। ऑफ हाई स्ट्रेट करने से पहला बेट इसको लेके चल रहा हूं आज। 420-421 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए, और ये फंडामेंटली बेहतर कंपनीज भी है, तो वोलेटिलिटी में अगर इनमें एक्युमुलेशन करें तो मुझे लगता है इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक देंगे। दूसरा स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। ये ज्यादातर लोग इसे जेएसएल के नाम से जानते हैं, और गजब के नंबर्स इस कंपनी की तरफ से आए हैं। साल दर साल आय 9% बढ़ी, सेल्स वॉल्यूम 5% बढ़ा, और कारोबारी मुनाफा 58% का जंप है, और आया कितने पे है, 472 करोड़ रुपए पे, और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे 300-400 करोड़ रुपए के बीच में। 9% का मार्जिन बढ़कर 13% हो गया। मदद कहां से मिल रही है? खर्चे कम करे कंपनी ने, डोमेस्टिक सेल्स का जो शेयर है वो बढ़ रहा है,
सब्सिडरीज जो इसकी हैं वो अब हायर इबीटा पॉजिटिव हो चुकी हैं, उसका फायदा इस क्वार्टर में मिल रहा है और साथ साथ इस बीच में इस कंपनी ने डेट रीपेमेंट भी करें, तो सब पैमाने पे नंबर्स टिक मार्क है, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल इस स्टॉक में। और तीसरी कंपनी है इकरा, और रेटिंग एजेंसी बहुत दिनों से बाजार के ऑफ रडार पूरी स्पेस रही है, क्रिसिल की बात नहीं करते, इकरा की, केयर की कहां चर्चा हो रही है। इकरा के नंबर्स वाकई बड़े स्ट्रांग आए, ऑलराउंड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और रेटिंग एजेंसी को हम क्यू ऑन क्यू सिक्वेंशली कंपेयर करते हैं, इसका कंसल्टिंग का कारोबार भी प्रॉफिटेबल होता हुआ आपको इस बार नजर आएगा, रेटिंग का कारोबार अब नॉर्मलाइज हो रहा है, कंसल्टिंग और इंफॉर्मेशन सर्विसेज बेहतर कर रहे हैं और अब धीरे धीरे करके रेटिंग की स्पेस स्वीट स्पॉट में वैसे ही आ रही है Q4 ऑनवर्ड्स। मुझे लगता है स्टॉक में ये थोड़ा टिकट साइज से बड़ा है, पर मेरे को लगता नहीं बाजार में टिकट साइज का कंसर्न है। कल मैंने टीम में सिर्फ इसीलिए टिकट साइज बड़ा है, PNG हेल्थ एंड हाइजीन को हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, 8-9% भाग गया वो और गजब के नंबर्स थे। खैर वो गजब के नंबर्स थे, तो मुझे लगता है टिकट साइज को मत फोकस करें, बढ़िया कंपनी है, इनमें एक्युमुलेशन के मौके और आज ट्रेडिंग का बैठा 2800। मुझे तो ये संकेत बहुत अच्छा लगता है कि टिकट साइज के चक्कर में आप क्वालिटी को छोड़ देते हैं। कल देखिए आप थर्मेक्स जैसे बड़े टिकट साइज पर 20% चला, 20% चला, तो इसलिए ये अच्छे संकेत है कि टिकट साइज का मतलब नहीं। सर जाते जाते सोच रहा हूँ कि मैं गया और अगले क्वार्टर में ऐसा हो गया, उनका करा हुआ काम रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय, एक क्वार्टर वेट करते तो मुझे सलामी याद दे रहा नहीं पिछले 5-6 सालों का उसमें सर्किट लगा था। हाँ। सर्किट तो और वो उनका करा हुआ काम अब एकदम से देखिए जाते जाते हो जाता लास्ट क्वार्टर में। हाँ। तो सलामी होती स्टॉक की तरफ से उनको उनके लिए। तो खैर चले अब जो सर्किट चेंज हुए उसमें से हमने जो शुरुआत में 2-3 स्टॉक लिए उनकी बात करें। शक्ति पंप्स 5% से बढ़ा के जितने हमने लिए सब 5-20 वाले हुए, तो रेंज काफी बड़ी हो गई आपके लिए। और शक्ति पंप्स में इसलिए क्योंकि देखिए सर्किट चेंज होना एक मोमेंट्री इवेंट होता है, लेकिन अदरवाइज भी आप रूरल इकोनॉमी पे फोकस, स्प्रिंकलर सिस्टम पे फोकस, सोलर पैनल वाले जो पंप बनते हैं सोलर पंप वो उस पर सरकार मोदी जी स्वयं बड़ा फोकस कर रहे हैं उस पर कि बिजली कम लगेगी और आप उसके थ्रू करेंगे, तो ये सब जो स्टोरीज हैं वो इसके साथ एडेड हैं। लेकिन मूवमेंट इस समय ये है कि सर्किट चेंज हुआ तो शक्ति पंप लीजिए। एवरेज कॉन्टो जो बड़ा मरा पड़ा रहा था मैंने कल देखा था 62 रुपये भाव हो चुका है। ये क्या करते हैं, ये जो नेचुरल गैस होती है उसके लिए सिलेंडर्स बनाते हैं और फोकस उधर भी शिफ्ट हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से कम 10-12% तक अपनी जो एनर्जी बास्केट है उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहती है। कल ऐसे IGL में बहुत बड़ी खबर थी, उन्होंने टीम में नहीं लिया है, ये बहुत बड़ी खबर थी कि उन्होंने सारे को इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गैस में कन्वर्ट PNG से जोड़ दिया है। हाँ। वो IGL के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, लेकिन बहुत सारी थी तो उसको हमने नहीं लिया, लेकिन वो स्टॉक बहुत बढ़िया है तो उस पर ध्यान रखिएगा। और IG पेट्रोकेमिकल्स केमिकल्स पॉलीफाइबर्स इन सब में गजब की तेजी है, तो IG पेट्रो भी इसलिए लिया क्योंकि इसका भी सर्किट रिवाइज हुआ है, 5-20 हुआ है और कंपनी बहुत टनाटन है। रिजल्ट जब आप देखेंगे ना इनके तो बहुत अच्छी चलती है ये, हमें लगता है कि सर्किट चेंज होने से जो गैप अप मिलता है ना आपको स्पेस मिलता है ट्रेड करने का उसकी वजह से इसमें लेना चाहिए। 455 का कंजर्वेटिव टारगेट लेकर मैंने दिया, खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा दो छोटी कंपनी ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे, पहला है BPL, वो बिलीव इन द बेस्ट याद है ना आपको, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी। कल दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करार करे साइन करे अलग अलग लोगों के साथ, जिसमें से एक MOU जो करा है वो BPL मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ है, तो दोनों मेडिकल प्रोडक्ट्स और उससे जुड़े सॉल्यूशंस की फील्ड में कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली वो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का जो थ्रस्ट दिया गया उसको लेवरेज करने की कोशिश हो रही है और BPL नामबियार साहब वही ग्रुप की एंटिटी, मुझे लगता है स्टॉक रडार पर रखना है। 23 रुपए तक के लेवल्स के लिए यहां पर अप्रोच करके चले, बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। और इस कंपनी के साथ वैसे अब मुझे बहुत दिनों से मैंने चेक नहीं करा, लेकिन मुझे याद है जब ऑनलाइन का पिकअप हुआ था तो BPL के रिवाइवल के होप जागे थे, अब वो ट्रैक्शन लूज आउट हुआ था लेकिन अब अच्छी करार हुआ है इसीलिए स्टॉक खरीदारी करने के मौके। लाइकवाइज एक और छोटी कंपनी है V2 रिटेल, अब पहली बात बी ग्रुप का स्टॉक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे 5% का सर्किट है तो अगर आज लगा तो एक दो दिन रुकना पड़ेगा, हमको इस बात का ध्यान रखिएगा। पर कंपनी के नंबर्स ऐसे हैं कि मुझे लगता है मोमेंटम सस्टेन होना चाहिए। 228 करोड़ के रेवेन्यूज एक क्वार्टर में इस कंपनी ने क्लॉक करे हैं और पिछले साल 2.5 करोड़ का घाटा, पिछले क्वार्टर 8 करोड़ का घाटा, उसके सामने 14-15 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करे, टर्नअराउंड स्टोरी है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, खरीद के चले। अच्छा एक छोटी फार्मा कंपनी है कोप्रान और हाँ। इसमें भी सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, 5-20 हुआ है, कई सारे प्रोडक्ट बनाती हैं और फार्मा में रिवाइवल देखने को मिला, वो सारी कहानी है।
साइज हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो मैं लगता है इसमें भी आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। और पांचवा स्टॉक है जीएम ब्रूवरीज, यहाँ भी 5 से 20 देसी दारू कंपनी है। संतरा वंतरा पता नहीं क्या क्या बनाते हैं ये, अरे पता नहीं क्या क्या, नींबू संतरा और महाराष्ट्र में जानी जाती है, बहुत तगड़ी पकड़ है इसकी। ये वसई में प्लांट है, मुंबई के पास है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी हमने इसको एक बार आपसे कहा था, बहुत ही बढ़िया कंपनी इसलिए लगी कि बुक्स पे कैश है, और इन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा था कि हमारे लॉकडाउन के दौरान कुछ नहीं बिक रहा था, फिर भी हमने सब कुछ मैनेज किया, कोई रिट्रेंचमेंट नहीं किया और एक्सपेंड करते रहे, और अब तो सब कुछ खुल गया है, तो सर्किट भी खुल गया है इसका, 5 से 20 हो गया है, खरीदारी करके यहाँ पे भी चल सकते हैं। तो 5 स्टॉक मेरे पूरे। आप चलिए डिपेंडेबल की बारी आ गई। कल मैंने PNG छोड़ दिया था ना, आज जिलेट नहीं छोड़ूंगा। जिलेट के भी नंबर्स उतने ही गजब के हैं जितने PNG के नंबर्स कल आए थे, और PNG हेल्थ एंड हाइजीन के बाद इस कंपनी के आंकड़े देखिए, जिलेट इंडिया। अजय पता है जब स्टॉक पिट रहा था ना, तो ऐसे ही हम लोग चर्चा करते, तो मैं ऐसे न्यूज रूम में उठ के, मैं इनसे मैंने शायद चर्चा भी करी होगी, कितने सारे लोग मुझे दाढ़ी में दिख रहे थे, मैंने कहा हो सकता है ट्रेंड बदल रहा है। याद है वीरू तक, वीरू तक, अब आप वीरू को दिखाइएगा, वीरू अभी बैठ कर कैमरा उनकी तरफ है नहीं, शेव कर लिया है। अब जैसे जिलेट का स्टॉक चल रहा है, मैं आसपास देख रहा हूँ सब क्लीन शेव नजर आ रहे हैं, तो वाकई रिटेल का मूड सेट देखिए कैसे बदलता है स्टॉक के भाव के साथ। जिलेट इंडिया नंबर्स गजब के हैं, रेवेन्यूज में 13-14% का उछाल, इबीटा 35% का जंप, इबीटा मार्जिन 21-22% से बढ़कर 26% के, और मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 41-42 करोड़। इस तरह के आंकड़े जिलेट इंडिया ने क्लॉक कर रहे हैं, मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। खैर 33 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, जैसे मेरे ख्याल से PNG ने भी 80 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया था, जिलेट ने भी 33 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। सिमिलर ग्रुप की कंपनीज 59-50 के टारगेट, मुझे लगता है स्टॉक पे। अरे ये निमोर उनो, मैं JSL की बात है, जिंदल स्टेनलेस के जो स्टेनलेस जिलेट के जो आप पतले पतले ब्लेड यूज करते हैं, वो सारे जिंदल स्टेनलेस की तरफ से आते हैं। वैसे दोनों कंपनीज आ गई, दोनों के नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो मूड माहौल। पापा छोड़ के बेटे पे फोकस किया आपने, पापा बेटा पोता जो भी हो यही है सारे मेरे पास। बेटा इतना होनहार है कि पूरे वर्ल्ड में इनका कोई चैलेंज नहीं है, लीडिंग शेविंग इक्विपमेंट या एक दो हुआ करते जमाने में सब वाइप आउट हो गए, भारत में कोई यही नहीं, सिंगल ब्लेड से लेकर वो 5 ब्लेड तक के शेवर सब इन्हीं के हैं भाई, सब इंडिया में तो कोई नहीं है, वर्ल्ड में भी कोई नहीं है, नंबर वन कंपनी है। अब बस चैलेंज ये है कि लोग दाढ़ी रखना शुरू ना करें। अब वीरू जो क्लीन शेव हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेलस्पन कॉर्पोरेट डिपेंडेबल है, इसमें भी सर्किट चेंज हुआ है, 5 से 20 हो गया है, और ट्रेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट आपके लिए तैयार है, तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि बिजनेस मॉडल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इंटैक्ट है, और जिस तरीके से इंफ्रा फोकस, पाइप में फोकस, सड़कों में फोकस, तो हमें लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए, और सर्किट की वजह से इसमें अच्छी तेजी बनेगी। 145 के टारगेट साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 6-6 हो गए, चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर। चलिए स्वागत है आपका, फटाफट आपको बताते हैं फ्री हिट और पिंच हिटर। मुंजाल शोवा नतीजे आए थे इसके कल, और कितना 17% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 355 करोड़ हो गया है, और मुनाफा 250% बढ़ के 17 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही इन्होंने खबर भी बताई कल, हिताची एस्किमो के साथ इन्होंने एक टाइप किया है मुंजाल शोवा ने, और उसके साथ मिल करके ये इक्विपमेंट बनाएंगे, ये MOU साइन हो गया है, जापान की कंपनी हिताची वाली, तो इसका नाम हो जाएगा क्या शोवा कॉरपोरेशन और जापान, चूंकि जिनके साथ जो शोवा जुड़ा हुआ वो भी जापान की है, तो इन तीनों ने जो किया है वो एक इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, और बहुत सारी कंपनियों के लिए इक्विपमेंट काम करेंगे। तो दोनों खबरों की वजह से मुंजाल शोवा लिया है, खरीदारी करके चले। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 14% की ग्रोथ रेवेन्यू में है, 1842 करोड़, मुनाफा 30% बढ़ के 234 करोड़ गया है, और EPS में 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस मौके पे भी ये नंबर आपको दे रहे हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ रेलवे का, अभी तो ट्रैकिंग शुरू हुई है, बहुत ही शानदार नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, 500 के टाइट साथ इसमें खरीदारी करके चला। आज KYC में कंपनी नजर आई है आपको, वो मुंजाल शोवा से मुझे अमिताभ का गाना याद आने लगता है, शावा शावा टिकटॉक ग्रुप, जब से वो बातचीत हुई उसके बारे में जब भी नाम लेते हैं यही याद आता है। अच्छा फ्रीड के तौर पर टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट, जो नोएल टाटा साहब चलाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और ये उस टाइम के हैं जब अभी भी पूरी तरह से अनलॉक के फेज में हम नहीं गए हैं, अभी भी फुटफॉल्स मॉल्स में नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद परफॉर्मेंस देखिएगा,
रेवेन्यूज महज अब 12-13% ही पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले दबाव में नजर आएंगे आपको, पर उसके सामने कंपनी ने ऑपरेशनली कैसे अपने आप को सुधारा, इबीटा 2.5% इंप्रूव हुआ है जब रेवेन्यू 13% गिरे थे, मार्जिन 17% से बढ़कर 20% के पार चले गए और इसीलिए मुनाफा 30% का जंप दिखा रहा है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस है और अब हम धीरे धीरे करके अनलॉक, धीरे धीरे करके हम नॉर्मलाइजेशन वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है नंबर्स इनकरेजिंग है किस तरह से ब्यूटीफुली ये कंपनी मैनेज की जा रही है। इवन वेस्ट साइड के भी फुटफॉल इंप्रूव हो रहे हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक, सीएनबीसी आवाज पे कितनी बार चर्चा हुई स्टॉक पे जब लोज पे था, वहां से देखिए क्या रिकवरी आई है और अब नंबर्स जस्टिफाई कर रहा है इस तरह का परफॉर्मेंस। आय में 22-23% का उछाल, इबीटा 30% का जंप, मार्जिन 70 basis points का इंप्रूवमेंट और मुनाफा ऑलमोस्ट 45। स्वागत है एक बार फिर से आपका फटाफट और थोड़ा पावर सेक्टर की दो कंपनियां, एक तो अदानी ट्रांसमिशन, इसके रिजल्ट आए थे, 18% रेवेन्यू बढ़ा है, 100% प्रॉफिट बढ़ा है, 91.19% 400 करोड़ के प्रॉफिट बढ़े। एक बजट में बहुत बड़ी खबर आई है कि अब आप अपना पावर सप्लायर चुन सकते हैं, पोर्टेबिलिटी शुरू होने वाली है। तो जो पावर के ट्रांसमिशन के काम में कंपनियां हैं जैसे अदानी है, दिल्ली में टाटा है, आपके पास ये चॉइस होगी कि आप किसको चुनें, तो बहुत फ़ायदा इनको होने वाला है क्योंकि अगर आप सरकारी कंपनियों से त्रस्त हैं तो आप इनके पास जाएंगे और उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि अब प्रीपेड कार्ड है, तुरंत ठीक लाइन लगती है, बिजली की चोरी रुकती है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बजट में अनाउंस हुआ है, धीरे धीरे डिकोड होगा। अदानी ट्रांसमिशन मैंने इसलिए चुना कि नतीजे तो अच्छे ही हैं, ये लीड करेगा बहुत सारे देश के किनाकों में बिजली सप्लाई करेंगे। जीत पावर एक और कंपनी पावर सेक्टर की है, लेकिन इसको इस वजह से नहीं लिया, इसको तो इसलिए लिया क्योंकि इसका सर्किट 5-20 हो गया है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। पावर सेक्टर भी अपने रडार पर रखे, कई चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये मुंबई में भी पोर्टेबिलिटी है, अदानी पावर लीजिए, टाटा पावर लीजिए, दोनों ट्राई कर लिए, बिल इतना ही ज्यादा आता है। अरे कंज्यूम भी तो करते हो। और मैं तो सरकारी में तो चाहता हूँ बेस्ट की तरफ पड़ जाऊँ, लेकिन बेस्ट है नहीं हमारे वहाँ, बेस्ट हमारे इलाके में टाउन में, गजब क्या है वो। पीएनबी गिल्स को रडार पर रखिएगा, नंबर्स मिक्स्ड हैं क्योंकि सिक्योरिटीज के प्रोफाइल में इनको अच्छे गेन्स हुए इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा तगड़ा है, पर मेरी लेने की वजह है ₹4 का इंटरिम डिविडेंड आया है, 45 का स्टॉक है, काम वही हो जाता है, रडाप रखिए। शिवा सीमेंट, अब इसमें इसके जो प्रमोटर ग्रुप है JSW सीमेंट, उनको प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करे जा रहे हैं। ये स्टॉक मेरे ख्याल से 26-27-28 के हाई से करेक्ट होकर आया है, अब प्रमोटर्स का और फंड इंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लगता है रडाप रखना है। आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा मेरी 10 की टीम क्विकली दिखाइए, क्या पसंद आ रहा है टीम दिखाइए, मैं भूल गया उसमें से, मैं भूल गया, मैंने पहले सोचा था टीम दिखाई ना भाई, 10 की टीम। हाँ JSL जिंदल स्टेनलेस स्टील, अभी आपने जो कहानी सुनाई ना कि जो जिलेट के इतने अच्छे रिजल्ट इसलिए आए क्योंकि वो उधर स्टील बेची गई है ब्लेड बनाने के लिए, अदरवाइज भी JSL और इनका एक कोई भाई है JSL हिसार, वो मेरे ख्याल से वापस कंसोलिडेट होगा। हाँ तो इंडिया का 75% निकल पॉलिश्ड स्टील जो है जिसको आप स्टेनलेस स्टील कहते हैं उसका मार्केट इनके पास है, और आजकल घरों में आपने देखा होगा तो जो लोग लोहे की वो बनवाते थे ग्रिल या अपनी बालकनी में, अब वो स्टेनलेस स्टील की बनने लगी है, बहुत डिमांड है, खरीदारी करिए, डेफिनेटली 82 का टारगेट अचीव होगा और रिजल्ट तो अच्छे ही है। आपकी टीम में वो मुझे याद है कंटेनर कॉर्पोरेशन, नंबर्स स्ट्रॉन्ग आने शुरू हुए और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंपनी है जिसमें जिस तरह की पोजीशनिंग है इसकी, सब चाहेंगे इंडिया में उस मार्केट का एक्सपोजर। अच्छा वो फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो गए हैं ना, हाँ, उसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट हुआ, प्राइवेट प्लेयर ट्रक ऑपरेटर्स के सामने, तो कंटेनर को आप स्वीट स्पॉट में नंबर्स अच्छे हैं वो लगता है बिल्कुल खरीदारी करने के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। चलिए फ्राइडे का दिन है और 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शुरुआत करी थी बायोकॉन के साथ जहां पे इन्होंने करार कराया जिसके चलते एशिया और अफ्रीका की 30 कंट्रीज में अब अपनी ड्रग्स और ये लोग मार्केट करते हुए नजर आएंगे। जिंदल स्टेनलेस अच्छे नंबर्स उसके दम पर, इकरा एक रेटिंग एजेंसी सिक्वेंशली नंबर्स को यानी कि क्यू ऑन क्यू देखते हैं, नंबर्स स्ट्रांग है। बीपीएल जहां पे बीपीएल मेडिकल ने करार करा है, किसके साथ करार करा था मैं भूल गया नाम कंपनी का जिसके साथ करार कर रहा था, मेरे ख्याल बीएल के साथ शायद हुआ था करार, बीएल के साथ करार के बाद कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे आत्मनिर्भर भारत की तरफ।
वी टू रिटेल नंबर स्ट्रॉन्ग और ये टर्न अराउंड स्टोरी, घाटे से मुनाफे में आगे, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं जिलेट इंडिया। कल पीएनजी के नंबर्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, आज उसी ग्रुप की एक और कंपनी जिलेट गजब के नंबर्स आए, इसीलिए स्टॉक को अडॉप्ट रखिएगा। ट्रेंड पेन वाले क्वार्टर में भी ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, तो दिखा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स किस तरह से और बेहतर हो सकते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज के नंबर स्ट्रॉन्ग, पीएनबी गिल्ड्स ₹4 का डिविडेंड डोल आउट, और फाइनली आपकी स्क्रीन पर शिवा सीमेंट होगा जिसमें प्रमोटर एंटिटीज को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। आपने एचएल का जिक्र नहीं किया कल, एचएल ने बहुत सारे टाइप किए रोशो के दौरान, एचएल बीएल लेना था तो मैं कल लेता क्योंकि वो ऑर्डर आ गया 48,000 करोड़ वाला जो ऑर्डर था ना वो उनके पास आ गया। एक्चुअली ऑफसेट ऑर्डर्स इतने ज्यादा टाइप कल एचएल ने किए कि आज उसको रडार पर रखिएगा, लेकिन टीम में हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि और दूसरे आइडियाज थे। मेरी टीम दिखाइए पूरी तरीके से खेलो इंडिया खेलो वाली फॉर्मेट पे है, 6 स्टॉक 7 स्टॉक रादर आप कह सकते हैं कि इसमें वो वाले जहाँ पे सर्किट 5 से 20% कर दिया गया, उसमें शक्ति पंप, एवरेस्ट कांटो, कोपरान, आईजी, जीएम ब्रिवरीज, और इसके अलावा नीचे एक है जी पावर और वेलस्पन कॉप, ये सब वो है जहाँ पे सर्किट चेंज हुए हैं और इन सब के पीछे फंडामेंटल स्टोरीज हमने आपको पहले ही सुनाई है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दमदार नतीजे, डाइवेस्टमेंट का केस और आगे ओपनिंग अप का फायदा, वहाँ पर खरीदारी करिए। और अदानी ट्रांसमिशन नंबर भी बहुत अच्छे हैं और इस सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए, तो लगता है इसको डाल पर रखना चाहिए, जरूर खरीदारी करनी चाहिए।